हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम आपको चैप्टर नंबर सेकंड 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 में स्टार्टिंग कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है फैक्टर। आई होप आप जानते ही होंगे कि मैं शुरू से ही अभी फैक्टर बताते आ रहा हूँ कुछ वीडियो में, तो आपको एक बात तो पता ही होगा कि फैक्टर के बाद अपन ने कुछ कुछ चीज़ें होती कंडीशन बदल जाती हैं, जिससे थोड़ा क्या हो जाता डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो देखो यहाँ पर एक ऐसा फैक्टर आया है जिसमें इतनी सारी इक्वेशन दे दी, एक इक्वेशन में इतने सारे वेरिएबल हैं, कितने 3, और आपको पता ही अभी तक मैं 2 वेरिएबल वाला है ना फैक्टर ही बता रहा था, लेकिन अब 3 वेरिएबल का फैक्टर आ गया। तो इसको क्या करना है, आपको इसका फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, अपन को कुछ नहीं करना रहेगा, इसको है ना कोई ऐसी कंडीशन शॉर्ट करेंगे और ऐसी कंडीशन कॉमन मिल जाएगी जिससे हमें फैक्टर मिल सकेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ मित्तल, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SS सरस्वती क्लासेस में। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई हमारी यह वीडियो पहली बार देख रहा है और हमारे चैनल पर नया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स बिना सब्सक्राइब करे कहीं नहीं जाना, क्योंकि आपको पता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको डेली की वीडियो के न्यू अपडेट है ना टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, सबसे पहले आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, इसलिए याद रहे भूले नहीं, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24z - 16zx। फ्रेंड्स आपको एक बात बता दूं, आपको है ना सबसे पहले क्या चीज़ ध्यान रखना है अगर इस तरीके का फैक्टर करने को आता है। तो देखो आपको चीज़ ये देखना है कि आपने जैसे कि इतना बड़ा फैक्टर आ गया, तो आपको ये नोटिस करना है कि इसमें वेरिएबल कितने हैं। वेरिएबल कितने हैं, 1, 2, 3, यानी 3 वेरिएबल है x, y, z, है ना। अगर 3 वेरिएबल है तो साथ में इतना है कि ये कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, ये बात नोटिस हो गई। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि आप इसमें ऐसी चीज़ देखो जो कॉमन दिख रही है या कुछ अलग चीज़ हो। जैसे कि मान लो यहाँ पर लास्ट में देखो, यहाँ पर सभी प्लस के हैं लेकिन यहाँ पर दोनों माइनस के हैं, और माइनस के होने के साथ साथ यहाँ देखो बाय जेड और जेड एक्स, यानी दोनों में जेड कॉमन आ रहा है ना, लेकिन बाय जेड और जेड एक्स है, यानी इसमें वेरिएबल दोनों में डिफरेंट है लेकिन एक वेरिएबल कॉमन आ रहा है, और माइनस के दोनों ही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो जेड है ना, अगर कॉमन लोगे तो नेगेटिव मिलेगा। मिलेगा क्या नहीं, अगर नेगेटिव मिलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी यहाँ पर इन तीनों में से ये जेड वाला भी वेरिएबल है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हमें स्क्वायर में तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको अब यार समझ में आ जाएगा। देखो 4x² है, इसका आप क्या लिख सकते हैं, 2x² लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, है ना। 9y² है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 3y² बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। प्लस अब देखो यहाँ ध्यान देने ये वाली योग्य बात है, जब मैंने आपको बोला कि ये माइनस जेड यहाँ पे इन दोनों में कॉमन आ रहा है, अगर माइनस जेड इन दोनों में कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो 16z² दिया गया ना, 16z², तो ये 16z² है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस के 4z² आपने समझा क्या नहीं, माइनस के 4z² हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे अगर आपको पता है किसी की पावर अगर इवन होती है तो उसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होते हैं वो अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन अगर यहाँ ऑड होती तो जो भी साइन होता है ना वो जैसा है वैसा ही रहता है, अगर नेगेटिव भी हो तो नेगेटिव ही रहेगा, ऐसा रहता है इसमें, है ना। तो आपको समझने आ गया, इसमें ध्यान देने वाली योग्य बात क्या है, माइनस के 4z, आप ध्यान से करना, प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आएगा, है। और पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना। देखो अब जैसे कि ये मैंने कर लिया, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे क्या है एक्स बाय, यहाँ क्या है बाय जेड, यहाँ क्या है जेड एक्स। इसका मतलब आपको एक बात ध्यान आ रही होगी, मैंने एक फॉर्मूला बताया था P+Q+R² वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है। कैसे, चलो मैं कंडीशन बनाता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि एक्स बाय है, इसका मतलब है कि आप जेड को भूल जाओ, यहाँ पे इंटू में क्या है एक्स बाय, 12 के इंटू में अगर एक्स बाय है, इसका मतलब है कि अगर हम 12 का एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाली संख्या में नहीं, इन संख्या में देखो जो हमने शॉर्ट करी, इनकी स्क्वायर बनाई है। अगर हम मान लो 12 का हम एलसीएम लेते हैं तो हमें 2 और 3 तो जरूर मिलेगा, और बाकी जो संख्या आई उसे हम बाहर कर देंगे। तो देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा, और 12 का मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने पर मुझे कितना मिला, 2 मिला 3 मिला, एंड जैसे कि 12 का अगर काट दिया जाए तो 2, 3 एंड 2, यानी कि मेरे को 2, 3, 2 मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 और 3 तो हमें मिल गई, लेकिन 1 और 2 एक्स्ट्रा में आ गया, तो 1 और जो 2 एक्स्ट्रा में आया उसको ब्रैकेट के बाहर कर दो, और जो 2 1 मिला उसको एक्स के साथ लगा लो, और 1 और 3 जो बचा 3 को क्या कर दो, बाय के संग लगा दो। लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे एक्स बाय था। अब देखो यहाँ बाय जेड है तो यहाँ पे एक्स को भूल जाओ, यहाँ एक्स को भूल जाओगे तो हमें बाय जेड का देखना है, और बाय जेड कौन है, जे और जे, और मैंने अभी अभी आपको बताया जेड की जो वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, यानी कि जेड नेगेटिव है इसलिए तो ये नेगेटिव रहा, है ना।
तो और बाय भी है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बाय का देख रहे हो, यहाँ क्या मिला हमें 3 मिला, 3 बाय, और यहाँ माइनस के 4 जेड, यानी कि 3 और 4 मिलना चाहिए अगर 24 का एलसीएम लेंगे। तो चलो हम अगर 24 का एलसीएम लेके दिखा दें तो कैसा है, जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको 24 का एलसीएम लेके दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना है। 24 का मैंने एलसीएम लिया है, कितना आ जाएगा, 3 के पाड़े में 24 कितनी बार आता, 8 बार है, और 4 के पाड़े में 8 कितनी बार आता, 2 बार, और 2 के पाड़े में 1 बार आता है। अब देखो क्या मिल गया, 3, 4, 2, तो इसमें देखो यहाँ पे क्या था, बाय जेड था ना, बाय जेड वाली कंडीशन देखो, जे है तो यानी जे हो गई बाय एंड जेड, तो 3 है और 4 भी है, तो 2, 3, 4 दोनों मिल गए, लेकिन 2 जो मिल रहा है 2 कॉमन हो गया, मतलब इन दोनों में 2 नहीं मिल रहा, तो इनको बाहर कर देना, ठीक है। तो माइनस का लगाया साइन, यहाँ 2 लगाया, और ब्रैकेट में क्या लिख दो, बाय वाली संख्या क्या है, 3 है, तो यहाँ पर भी हम 3 ले लेंगे, 3 बाय है ना, और जेड वाली संख्या में क्या है, 4 है, तो क्या ले लेंगे, 4 हम ले लेंगे ना, क्या नहीं ले लेंगे, ले लेंगे, चलो लगाते हैं 4 हम और जे। और हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि जो नेगेटिव का जो साइन लगाया है ना, वो 4 के संग है, ये बात ध्यान रखना, भूलना मत, 4 के संग है। अगर आप यहाँ पे 4 के संग लगा दोगे माइनस के, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि जब इनटू में जब कोई भी साइन आता है, जब ब्रैकेट जैसे ही हटेगा तो इनटू में जो साइन होगा सारा यहाँ पे मिल जाता है, ये बात ध्यान रखना है ना। अब जैसे कि यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे 16 है, 16 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मैंने अगर सिस्टम का एलसीएम लिया है, सिस्टम का एलसीएम मिलने पर मेरे को मिलता है 242, आप बड़े लेके देख सकते हैं, 22 या 4 या 16, इसलिए 242 मिल गया। तो इसमें देखो क्या है, जेड एक्स है, जेड एक्स है, तो यहाँ पर क्या है, बाय को छुपा दो, यानी बाय को यहाँ छुपा दो, और जेड जीरा, और हमारा एक्स क्या है, जीरा, एक्स में देखो 2 मिल रहा है कॉपीसेंट, जेड का कॉपीसेंट कौन है, 4 माइनस का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैंने अभी आपको बताया 224, यानी वो सही है ना। तो यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर प्लस के 2 लगा लो अपन, बाहर लगा दिया, एक्स कौन सा पॉजिटिव साइड का है, तो पॉजिटिव 2x लगा लेना उसके संग, है ना, और जेड क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव माइनस के 4 लगा दो, लगा दिए, और जेड लगा दो, देखो 2 जा 4, 4 जा 16, और माइनस के साइन यहाँ आगे नेगेटिव हो जाता, तो वही कंडीशन बन जाती ना, तो देखो यहाँ लगा दिया, इतना सिंपल। आपको पता है कुछ नहीं दिमाग लगाना, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी इतनी बड़ी कंडीशन आ जाए तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर है ना, इसका स्क्वायर करेंगे, अगर स्क्वायर करने पर कोई कंडीशन निकल रही है, अगर स्क्वायर हो जाता है तो आपको पता है पी क्यू आर वाली कंडीशन मिल जाती है, तो पी मिल गया, क्यू मिल गया, आर मिल गया, 2x मिल गया, 3y मिल गया, माइनस के 4z मिल गया। अब ये तीनों कंडीशन इन तीनों पर अप्लाई हो जाती है, जिससे इन तीनों से हमें कॉमन लेने पर ये सारी मिल जाती है, ऐसा रहता है ना। अब देखो जी मिल गया। अब आपको एक बात ध्यान होगा, जो लोग समझ रहे होंगे आपको एक बात तो ध्यान ही होगा, मैंने पिछली वीडियो में एक फॉर्मूला लिखवाया था, और क्या लिखवाया था, देखो P प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर इजिकल्स टू में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। आपको याद होगा, आप सभी लोगों को मैंने पिछली वीक के नाम है वीडियो में ये फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूले वाले सब क्वेश्चंस, तो उसमें क्या कर रहे थे, फॉर्मूले ये धर रहे थे और इसमें बदल रहे थे। अब क्या हुआ, इसको है ना, ये पूरी कंडीशन को इस फॉर्मूले के रूप में ला रहे थे, तो इसलिए देखो यहाँ पी क्यू आर कौन है हमारा 2x, और ये क्यू हो गया 3y, और आर कौन हो गया माइनस के 4z, तो इसका मतलब ये हुआ माइनस के 4z हमारे अगर आर होते हैं तो यानी कि यहाँ पे पी क्यू क्यू आर आर पी भी फॉर्मूले के रूप में हो गई, तभी तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ें हो गई। इसलिए यहाँ देखो अगर मान लो इसी की इसको अगर हम इसके कंपैरिजन कर दें, तो इसको हम अगर इससे कंपैरिजन करेंगे तो इससे हमें कंपैरिजन करने पर क्या मिल जाएगा, जी मिल जाएगा पी क्यू आर, और पी क्यू आर कौन है हमारा 2x और 3y, कौन है हमारा 2x 3y एंड माइनस जेड, तो लगा दो यही आंसर में, यही लगा दो आंसर में क्या, ये 2x 3y एंड माइनस जेड माइनस 4z, 2x 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, कंपैरिजन करने पर लिखना मत भूलना, ऐसे कंपैरिजन कंपेयर करने पर
है ना फ्रेंड्स। आपको आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्यों मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और बताएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन में थोड़ा क्रिटिकल था और इसमें थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जो बच्चे खुद जानते हैं कि मैंने जो बताया आपको यहाँ पर क्या नाम है इसका स्क्वायर बना दो, इससे पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा, इससे क्या होगा हमें तीन कंडीशन मिल गई, अलग अलग वेरिएबल की तीन कंडीशन मिल गई कोएफिशिएंट कौन से 2, 3, 4। अब यहाँ पर जब 2, 3, -4 जब मिला तो यहीं पर ही अप्लाई हो रही थी ये, तो यहाँ पर भी हमें कॉमन लेने में आसानी पड़ गई। इसमें इतना यूज रहता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, जब तक के लिए आपको गुड लक, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट बताएंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पूरी वीडियो देखना आप, जिससे आपको दोनों क्वेश्चन ढंग से समझ में आ जाएंगे और फिर आपको बाद में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाएँ, बेहतक होकर बताएँ, हम आपका सॉल्यूशन 100% देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोगों को गुड लक। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियो में कैसा क्या लगा, कैसा पढ़ के लगा, मतलब कैसा समझने में आया, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे जैसे हमारी यह वीडियो आपके साथ साथ आपके द्वारा और लोगों तक पहुँचेगी, जिससे आपके साथ साथ उनका भी प्रॉफिट होगा, और साथ में अब हम अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक बार सब्सक्राइब का बटन दबाना तो मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे जिससे आपको डेली की वीडियो के न्यू अपडेट जो मिलते हैं सबसे पहले आपको मिलेंगे। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपको सबसे पहले मिले तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप जैसे मानते हैं अगर आपको कोई है ना कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है आपसे कोई, तो फ्रेंड्स हम लोग संडे डेली के हर संडे हम एक संडे स्पेशल सीरीज डालते हैं जिसमें हम टिप्स एंड ट्रिक बताते हैं मैथ्स की, तो आप लोगों को पता बहुत प्रॉफिट है उसको अगर आप वो सीरीज देखें। तो प्लीज़ फ्रेंड आप भी अपने दोस्तों को बताएं और आप वह सीरीज देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोगों को गुड लक।